Minister of Power, Minister of Aviation and Railways, Minister of Commerce, Minister of Climate Change, Minister of Planning, Minister of Industry and Production, Minister of Law and Justice, Minister of Board of Investment, Minister of Information and Broadcasting, Minister of Finance, Minister of Power Division, Minister of Petroleum, or Secretary Science and Technology. तीन सेक्रेटरी चार सेक्रेटरी थे और एक दो तीन चार दस जो है इसमें मिनिस्टर्स थे. इसमें जो एस्टिमेट्स हमने बनाए हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना. 56 अरब ये तखमीना जो है ना 15-20% कम रखा गया हुआ है, इसको इन्फ्लेट नहीं किया गया हुआ. और दूसरा जो है वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे. ऑलरेडी भी ये सिलसिला चल रहा है, कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा. रेस्टोरेंट्स होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी. इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो है वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए. लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी. हमारे यहाँ पे पंखे जो पुराने हैं वो तकरीबन 120 से 130 जो है ना वो कंज्यूम करते हैं वाट्स बिजली जो है जो भी बिजली का वो है यूनिट जो है जो अब पंखे मार्केट में अब नए बन के आ रहे हैं जो पंखे जो उसके वो तकरीबन 40 से 60 कर रहे हैं. तो तकरीबन आधा आधा जो है फ़र्क बल्कि दुगना फ़र्क है. इससे 15 अरब रुपया जो है ना वो बचत होगी. उसके बाद ये बल्ब जो है जो आपने ये यहाँ लगे हुए हैं ये एलईडी बल्ब्स हैं और जो पुराने बल्ब थे जो ट्रांसपेरेंट थे और बीच में उनका वो जो भी होता है जो एलिमेंट जो है इनकैंडेसेंट बल्ब जो है पार्डन माय इग्नोरेंस तो उसमें 23 अरब रुपए का जो है ना बचत है. उसके बाद जो है ना ये तो सीधा सीधा जो है ना वो कैश की बचत है. लेकिन एनर्जी एफिशिएंट जो है अगर घरों में फैंस का एयर कंडीशनर का और आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है ये तकरीबन जो है ना 3,300 और 6,200 तकरीबन 8,000-9,000 मेगावाट बिजली जो है ना आप ऑन एवरेज जो है ना बचा सकते हैं. उससे आप हिसाब लगाएं कि फ्यूल की कितनी आपकी बचत होगी. जो एनर्जी हमारी फ्यूल के ऊपर है ज़्यादातर फ्यूल के ऊपर है, आहिस्ता आहिस्ता हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको रिन्यूएबल्स के ऊपर. लेकिन जब तक है हमें ये इकदाम जो हैं ज़रूरी हैं. आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है ये हम तकरीबन इस वक्त 28 अरब यानी बिलियन 28 अरब रुपया मंथली जो है हम इसकी पेमेंट ये सेविंग होगी. अच्छा दूसरे उसके बाद आ जाती है कि ये कॉनिकल बैफल्स जो हैं ये इसमें डालते हैं आप गीजर के अंदर जो है ना उसकी एक कैंपेन हम चला रहे हैं कि जो गैस देने वाली कंपनीज हैं वो ये प्रोवाइड करेंगी जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक. और बिल में जो है ना इसकी जो है ना ये ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है ये बल्कि महंगी चीज़ है ही नहीं है ये उससे जो है ना हमें 92 अरब रुपया साल का जो है ना बचेगा 92 अरब रुपया. अच्छा और ये स्ट्रीट लाइट्स जो है अगर अल्टरनेट जलाई जाएं यानी जो लगातार एक ही रो में जो है वो ना जलाई जाए एक जलाई जाए दूसरी जो है ना जलाई जाए उससे 4 अरब रुपये की जो है बचत है. और ई बाइक्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है बल्कि आहिस्ता नहीं एक कम बड़ी महदूद मुद्दत के अंदर जो है हम वो बाइक्स जो हैं जो प्रेजेंटली जो पेट्रोल पे चल रही हैं वो फेज़ आउट हो जाएंगी उसकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं आ जाएंगी. उसकी ऑलरेडी इम्पोर्ट स्टार्ट हो चुकी है. इस वक्त जो बाइक्स की कंपनीज हैं उनके साथ नगोशिएट किया जा रहा है कि वो उनको फेज़ आउट करके
और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं उनको भी अगर मॉडिफाई किया जाए तो वो भी हो सकें जो है, उससे हमारी तकरीबन 86 अरब रुपए की जो है ना बचत है। ये सारी बातें जो है ये अल्टीमेटली ये अगर आप इनको ट्रांसलेट करें तो सैकड़ों अरब रुपया जो है ना वो बचत होती है। इसे इसके और भी जो है ना वो इसमें लवाजमात हैं, लेकिन इसको जो है वो आगाही के लिए, आवाम की आगाही के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन जो है, जो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी अवेलेबल होगी, वो चलेगी वहाँ पे ताकि लोगों को इसकी आगाही हो सके। इसके लिए जो भी मीडिया के लवाजमात हैं या जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे काम लिया जाएगा। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन आ जाती है। हमारे 69% वाटर जो है हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, वो पानी जो है वो ज़्यादातर जो है, बल्कि ज़्यादातर नहीं तकरीबन 100% जो है फ्लड इरीगेशन के ज़रिए होता है। फ्लड इरीगेशन एक तो पानी जो है बहुत तकरीबन 80-90% उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती जो इस्तेमाल हो रहा होता है, वो सेव होगा। दूसरा ये है कि फ्लड इरीगेशन से जो है ना ज़मीन के ऊपर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एकदम सारे नीचे चले जाते हैं, और जो भी सब्जियां, जो भी फसल काटी जाती है उसमें उस तरह की न्यूट्रिएंट्स नहीं आते जितना अगर आप ड्रिप इरीगेशन या किसी और इरीगेशन के मेथड्स के से जो है ना वो उसे इस्तेमाल करें। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग की होगी कि घर जो बनाए जाएँ वो पानी जो है डायरेक्टली जो है वो सब सरफेस वाटर पे जाके शामिल हो और पानी ज़ाया ना हो। मसलन बारिश का पानी है, बारिश का पानी अब जो है ना वो नालियों में चला जाता है, सीवर में चला जाता है, किसी और जगह पे चला जाता है, उसकी जो डिस्पोजल जो है वो डायरेक्टली जहाँ पानी है नीचे जहाँ से पंप पानी निकालते हैं वहाँ पे जाके शामिल हो। ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्कों में, बांग्लादेश में, इंडिया में ये सारा कुछ हो रहा है, और ये बेसिकली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन हम तमाम सूबों से कहेंगे कि वो अब अगले दो रोज़ में हम सूबों से जो है ना वो कांटेक्ट कर रहे हैं इस के जो मुख्तलिफ कॉन्टूर्स हैं इस पॉलिसी के, इस प्रोग्राम के, उनसे उनको आगाह करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे, और चारों सूबों को हम अप्रोच करेंगे। जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसके बावजूद जो है चारों सूबों को अप्रोच किया जाएगा, और उनको ये एक नेशनल प्रोग्राम है, एक कौमी प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि इसको कंसेंसस के साथ लॉन्च किया जाए। तो अगले दो रोज़ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और जुमेरात को फाइनल अप्रूवल जो है इस सारी कंजर्वेशन पॉलिसी की जो है। लेकिन ये सारी दुनिया में 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर रात को 12:30 1 बजे 2 बजे तक मार्केटें खुली होती हैं। सुबह मार्केटें जो है 12 बजे कहीं खुलती हैं, कहीं 1 बजे खुलती हैं, कहीं 2 बजे खुलती हैं। तो हम जो डे लाइट जो हमें अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है सूरज की रोशनी से, उसको तकरीबन 50% ऑफ द टाइम जो है इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते हैं। हम लाइटें जला के जो है ना काम कर रहे होते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें दफातर के अंदर शैंडलियर चल रहे होते हैं, बेतहाशा लाइटें खुली होती हैं। मिनिमम लाइट से जो इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस किस्म की वेस्टेज जो है, लोग जो है शाम को शॉपिंग के लिए निकलती 7:30-8 बजे के करीब हैं, ये एक बिहेवियर का जो एक पैटर्न है ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क जो है इस वक्त बड़ी मैं समझता हूँ एक संगीन माशी सूरत हाल है जिसमें हम गुजर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी आदात जो है नॉर्मल कर लें। ये नहीं हम कह रहे कि जी आप कोई बेल्ट टाइटनिंग करें और आपको कोई मुश्किलात का, आप सिर्फ अपनी आदात बदल दें। जो हमारे वालदैन जो है, आप में से यंगस्टर जो हैं उनके तो वालदैन तो मेरी उम्र के ही होंगे, लेकिन जो हमारे वालदैन जो है, बल्कि आपके भी वालदैन सब के जो है, पिछली जनरेशन जो है, जो मेरी जनरेशन है या मेरे बुजुर्गों की जनरेशन है, वो सारे जो है रात को तमाम एक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी मार्केटों की, और हर किस्म की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती, बाजार जो है 6:30-7 बजे तक बंद हो जाते थे। अब ये रवाज जो है
ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अगर अपने वसाइल में रहना है, अपने मीन्स में रहना है, जो हमारे हालात हैं माशी उनमें रहना है, तो हमें ये सारी चीज़ जो है सुकेड़ना होगी उस चादर में जिसमें जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर उसमें जो है इस वक्त कभी पाँव कवर करें तो सर बाहर होता है, सर कवर करें तो पाँव बाहर होता है, अगर उस चादर में हमने सिमटना है तो फिर हमें अपनी आदत जो है वो बदलनी होगी। चादर अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर आप हो सकता है तो रिलैक्सेशन हो, लेकिन जिन मुल्कों के पास दौलत का कोई कोई लिमिट ही कोई नहीं है, आप ये हमारे गल्फ के कंट्रीज में भी देख लें, वहाँ पे भी 8 बजे करीब मार्केटें वहाँ पे बंद हो जाती हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाती हैं, कहीं कहीं 9, 9:30, 10 बजे तक भी रहती हैं, लेकिन ये 2 बजे वाला रिवाज जो है या 1 बजे वाला रिवाज जो है ये समझ नहीं आता। मासवाए जो फार्मेसीज हैं या कोई इस किस्म के जो एमरजेंसी वाले, ये जो है ये मैं सारा कुछ जो है फाइनलाइज अभी थर्सडे को जो है ये हो जाएगा, ये सूबों से मशावरत के बाद जो है, ताकि इनमें से बहुत सी चीज़ें, बल्कि मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं सूबों ने करनी है, तो ये सारी, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगी 6-7 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही थी और ये अपनी फाइनल स्टेज पे ये पहुंच चुकी है। सियासी जो इसमें कंसल्टेशन है वो चारों सूबों से हो जाएगी और हम उनको कन्विंस करेंगे कि ये नेशनल एमरजेंसी के तकाजे हैं कि हम ये पॉलिसी जो है इसको इम्प्लीमेंट करें। ये इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो सारा कैबिनेट में डिस्कस हुआ है और बड़ी लंबी लंबी, कल शाम को भी शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली हुई थी, वो भी मेरा ख्याल है 2-2.5 घंटे राशिद, ढाई घंटे चली है मीटिंग जो है, और उसमें भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस, बड़ी अर्क्रेजी इसमें इन्वेस्ट हुई है सारी पॉलिसी के अंदर, और ये इट विल बी बिकम द पार्ट ऑफ आर नेशनल ईथॉस, ये हमारा जो एक कौमी कल्चर है ये उसका हिस्सा बनेगी ये पॉलिसी जो है कफायत शारी जो है। इसमें आपकी माशी निजात भी है, आपको जो माशी मुश्किलात उसको आप सारी कौम को इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं, बिजली में, पेट्रोल में, गैस में, सब्जियों में, गोश्त में, हर चीज़ में, ये इस पे बड़ा इम्पैक्ट होगा और लॉन्ग टर्म जो है जब आपका हैबिट पैटर्न चेंज होगा, आपके लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी आदतें, आपके इतवार चेंज होंगे, तो उससे मेरा ख्याल है कि फैमिली लाइफ के ऊपर भी एक बड़ा खुशगवार असर आएगा, फैमिली लाइफ भी जो है वो भी एनरिच होगी, हमारी जो रवायात, हमारी ट्रेडिशंस जो हैं, जो हमसे हमने उनसे डिपार्चर किया हुआ है, वो हम वापस लौटेंगे उन रवायात और उन फैमिली ट्रेडिशंस की तरफ, जिसमें फैमिली जो है वो उस यूनिट का एक अपना तकद्दस है, एक अपनी उसकी वैल्यू है, जो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो आदत जो हमने अपनाई हुई हैं उसमें ये वैल्यूज़ जो है ना उनकी वक़्त भी जो है ना वो कम हुई है। तो मैं अपने कारा साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद कोई सवाल सवाल जवाब होंगे तो राशिद साहब जो हैं वो उसका उनका जवाब भी दे देंगे, उनको टेक्निकल होंगे तो मरियम जवाब दे देंगी। बहरहाल वी आर ओपन टू क्वेश्चन। कारा साहब शुक्रिया, कारा साहब आपने तफसील तो सारी कर दी, ठीक है बेटा, मैं आवाज़ से ज़रा ज़ोर से बोल रहा हूँ, चले ठीक है, मैं थोड़ा सा यार तू एनू थले कड़न वास्ते बाकी सारे थले छोड़ देता है। बहुत शुक्रिया, तो ख्वाजा साहब ने तफसील तो बयान कर दी, सबसे दो छोटी मुख्तसर बातें, एक तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा ने अपने वर्से के मुताबिक इस हुकूमत की भरपूर तरीके से तर्जमानी करते हुए और पाकिस्तानी आवाम की उमंगों के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान का, कश्मीरियों का, हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमानों का और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब का एक मुकदमा दुनिया के सामने रखा है कि जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात दबे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में लगाए जाते हैं, हम सबसे बड़ा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, जानी भी माली भी, और हमारे साथ दहशतगर्दी के वाक़ात मुसलसल किए जा रहे हैं जिसकी बैकिंग इंटरनेशनली मौजूद है, उसकी निशानदेही हम बार बार करते रहे, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
अकवामे मुत्तहिदा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने वो खुल के बयान दिया जिस पे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी चीखें निकली हैं, बड़ी तकलीफ उठी है। लेकिन कुछ भी हो, सर की कीमत लगाओ, हमें सरों की परवाह नहीं है। पाकिस्तान के मुकदमे को पीछे नहीं होने देंगे, इंसानियत का मुकदमा आगे रख के लड़ते रहेंगे। हमारा फैसला है, और हमें अपने लीडर पे, अपने फॉरेन मिनिस्टर पे, अपने वजीर खारजा पे फ़ख्र है, चेयरमैन पे, और आज यही वजीर आजम साहब ने, काबीना ने उनको अप्रिशिएट किया, उनके साथ खड़े हुए और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। दूसरी गुजारिश ये है, ख्वातीनों हजरात, मुल्क यकीन इस वक्त मुश्किल हालात में है, रोज़ आप भी बात कर रहे हैं चौकों चौराहों में बैठ के, चौपालों में बैठ के, अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के। मीडिया के अंदर भी यही डिबेट जारी है कि मुल्क के अंदर बहरान बहुत बड़ा है, और इस वक्त अपोजिशन का लीडर इमरान खान बैठा हुआ हर रोज़ हमारे ऊपर, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक नया हमला करता है कि जी हम कोई डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा ऐसे, जो इकदाम हुकूमत उठा सकती है वो तो उठा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें वो भी हैं जो हमें देखनी है कि कौम की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स चाहिए। हुकूमत अपने औकात कार में तब्दीली करना चाह रही है, उससे ये तसव्वुर नहीं होगा कि शायद कोई काम ख़राब होगा, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल देखी गई, और इससे बचत बुनियादी तौर पे लोगों की भी है, हुकूमत की भी है, और जो फॉरेन करेंसी, जो एक एक डॉलर हम बचा रहे हैं, अपनी बेल्ट टाइट करके बैठे हुए हैं, और बड़े मुश्किल हालात का सामना है। आज हम ज़रा गौर करें, ये सारी वो रकूम है जिसका जिक्र ख्वाजा साहब ने किया, जो बुनियादी तौर पर फॉरेन करेंसी की सूरत में हमें बचेंगी। हम इस वक्त गैस बाहर से मंगवा रहे हैं, तेल बाहर से मंगवा रहे हैं, जो बिजली पैदा करने में हमारे तेल के कारखाने और कोल इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगा है, ये सारी वो नेशनल सेविंग है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि 8 बजे तजवीज़ दे रहे हैं, अभी तो खैर सुबह से बात करें कि ख्वाजा साहब 8 बजे मार्केट क्लोजर हो, तो इसके खिलाफ एक लोगों के अंदर एक बहस छेड़ी जाएगी, हमारे मुखालफिन भी छेड़ेंगे। लेकिन ये याद रखिए, दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता कौम ऐसी नहीं, एक भी, जो जल्दी सोने वाली और जल्दी उठने वाली ना हो। ये कौमी आदतें जिन कौमों की हैं वही कौमें दुनिया में तरक्की याफ्ता है, बाकी जो तेल से अमीर हुए हुए मुल्क हैं उनके मिजाज और हैं। लेकिन दुनिया में कामयाबी की दलील ये गिनी जाती है, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। तो हुकूमत ने ये जो इकदाम उठाने का फैसला किया है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लोगों की तकलीफ को भी देखा गया है, हम भी आप में से हैं, सारी चीज़ें एट लेंथ डिस्कशन करने के बाद ये वो तजावीज़ है जिसके जरिए अगर हम कह रहे हैं कि गीजर्स में कोई आला लगेगा जिसकी वजह से गैस कम इस्तेमाल होगी, तो उसके नतीजे में गैस कम आएगी पाकिस्तान, महंगी गैस आती है, सस्ती आगे जाके सब्सिडी होती है, अगर कम आएगी तो हमारा कम सरमाया इस्तेमाल होगा और पाकिस्तान के लोगों को उसकी तकलीफ नहीं होगी। उस थोड़े से छोटे से इंस्ट्रूमेंट का अगर कोई खर्चा भी होगा तो वो बिलों के अंदर महाना एडजस्ट करके ले लिया जाएगा, लेकिन कोई 18,500 रुपया पर गीजर सालाना उसकी बचत का एक एस्टिमेट है। तो ये कौमी काज है, इसी तरह मार्केट क्लोजर है, इसी तरह रेस्टोरेंट का क्लोजर है, इसी तरह दफातर का, जिस तरह ख्वाजा साहब ने बयान किया है, ये कुछ तजावीज है, कुछ इकदाम है। अगर हम ये कहें कि हम कौमी आते भी नहीं बदलेंगे, हम अपने दफातर के टाइम भी नहीं बदलेंगे, हम अपने मार्केटें भी नहीं बच्चे मार्केट टाइम भी चेंज नहीं करेंगे, खुद कोई कुर्बानी नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कुछ कहीं से पैसे ले आए और वो हुकूमत ये सारे काम कर ले, ये इस तरह हो नहीं सकता। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा इम्पोर्ट बिल जो 26 से 28 बिलियन डॉलर है और बढ़ रहा है, अगर और उसका सबसे जो फ्यूल का है और जो कोल का है, अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो ये पाकिस्तान आज भी देने की पोजीशन में नहीं है, बहुत मुश्किल हालात है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हम तजवीज नहीं दे रहे, ये हम लोगों को बता रहे हैं कि ये इकदाम उठाने नागुजीर हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हम सबको तामन करना होगा हुकूमत वक्त के साथ। ये इकदाम हमारी तजवीजें हैं, हम सूबाई हुकूमतों से ये तवक्को करते हैं, हम तमाम जमातों से ये तवक्को करते हैं, तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये तवक्को करते हैं, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी तबकात हैं सबसे तवक्को करते हैं कि आप हमारी इन तजावीज को पाकिस्तान की बका और बचत का रास्ता देख के उस एंगल से इसकी चीज़ों को देखेंगे, हम आपके साथ हैं, हम यकीनन आपकी बेहतरी के लिए तमाम इकदाम उठाने जा रहे हैं।
इस मुश्किल वक्त में ये इकदामात बहुत ज़रूरी हैं और हमें तवक्को है कि इसके नतीजे में एक बेहतरी का अमल शुरू होगा। जितने बचतें ख्वाजा साहब ने बताई हैं इससे इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा और बेहतर बचतें आएंगी और हुकूमत भी अपने इकदामात के ज़रिए मजीद चीज़ें बेहतर करेंगी, तो कई अतराफ़ से अब चीज़ों को समेट के फिर इस बुरान से निकलने की पोजिशन में आएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कहते हैं। पॉलिसी दो महीने बाद 3 महीने बाद वापस हो जाती है, आइंदा क्या अब क्या होगा, क्या ताजरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा? देखें, सख्ती से तो किसी के साथ ही निपटा जाएगा, ताजर भी हमारे भाई हैं। जहाँ हम अपनी आदतें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह हम सबसे कहेंगे और कानून बनाए जाएंगे इसमें कि सारी जो हैं वो एक जिस तरह एक तरक्की याफ्ता या महज़ब ममालिक जो हैं दुनिया में, वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें मार्केटें जो हैं आधी रात को भी खुली होती है, वाहिद मुल्क है। या तो हमारे पास दौलत बहुत ज़्यादा है जो मुझे नज़र नहीं आ रही, और ये जो मार्केटें खोलते हैं उनको नज़र आ रही है, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब या तो हमारे पास चॉइस हो तो फिर हम उसमें गुंजाइश कर लें कि भाई नहीं, ताजरों को कर लें अकोमोडेट, या दफ्तरों को अकोमोडेट कर लें, या फैक्ट्रियों को अकोमोडेट कर लें। हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हमारे वसाइल जो है वो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, कोई चॉइस ही नहीं दे रहे। हमारे ऊपर चॉइस के या ऑप्शन के दरवाजे बंद हो चुके हुए हैं। मैं रेस्टोरेंट्स का मार्केटें जो हैं वो बिल्कुल 8 बजे बंद होंगी। आप रिस्पॉन्स हम सूबों का देख लेते हैं। रेस्टोरेंट्स जो हैं और शादी हॉल जो है ना वो सजेशन जो है 10 बजे बंद होने की है, क्योंकि रेस्टोरेंट भी लपेटते लपेटते जो है ना 8 बजे तो शाम होती है गर्मियों के अंदर जो है, तो वो अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक एवरेज टाइम जो है ना वो 10 बजे कर लेना चाहिए, और शादी हॉलों का भी उस तरह होना चाहिए। और ये कानून है, ये लिखी पड़ी बात है, ये जो हमारे यहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ है ये चीज़ें कानून पे मौजूद हैं कि कब मार्केटें बंद होंगी, कब खुलेंगी, कब दफ्तर बंद होंगे, कब दफ्तर खुलेंगे। अब जुमे का जो दिन है आपको भी पता है, मैं कोई लंबी बात नहीं उस पर करना चाहता कि किस वक्त नमाज का जो है तमाम शुरू होता है, फिर किस वक्त लोग वापस आते हैं कि नहीं आते, वो भी एक सवालिया निशान है। तो ये मेरा ख्याल है कि वेस्टेज का कल्चर जो है, ज़िया का जो एक कल्चर जो है वो फॉर्चुनेटली, आई वुड नॉट से अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली हमें अब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कथित तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कल हमारे में अल्लाह ताला हमें खुशहाली बख्शे, हमें वसाइल बख्शे, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि रात को जिस तरह आप कह रहे हैं फिर 2 बजे दुकान बंद कर खुली रखा दो। नो जावेद साहब, दुनिया सर, जावेद हुसैन दुनिया न्यूज़ से। सर मेरे दो छोटे क्वेश्चन हैं कि पहले एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, वफाकी काबीना जो है वो भारी भरकम काबीना है, उसमें हर वजीर के साथ 2-2, 3-3 गाड़ियों के कानवाई चलते हैं, तो वफाकी काबीना एनर्जी बचाने के लिए पहला इकदाम अपने तौर पर क्या लेने जा रही है? दूसरा ये कि पंजाब में जो सूरत हाल सियासी तौर पर इस वक्त बन रही है उसमें वफाकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? और इसमें सर ये भी ऐड कर लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से एक समरी मंजूर की गई है जो इंतखाबात 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, उसमें हल्का बल्दियाँ जो है वो अब तब्दील की जाएंगी, तो ताकीद का शिकार होंगी। मैं आपसे जावेद थोड़ी सी माजरत के साथ, मैं दूसरे टॉपिक्स पे बोला ना, तो जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ वो फोकस जो है ना वो डिल्यूट हो जाएगा, उसका असर जो है ना वो ज़ायल हो जाएगा, क्योंकि आवाम सुन रही हैं, बातें सुन रहे हैं, हमारे ताजर सुन रहे हैं, दफ्तरों में काम करने वाले सुन रहे हैं आम। तो मैं जहाँ तक आपने पूछा है काबीना और हमारे जो अहदेदार हैं, मैं वो सवाल बिल्कुल आपका दुरुस्त है, बिल्कुल ये कल्चर चेंज होना चाहिए। देखिए मैं एक सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं 32-33 साल पार्लियामेंट्री में मेरी जो गुजर गई है ज़िंदगी जो है उसमें मेरा हाल है मेजॉरिटी जो है वो मैं कल ही फिर दर्द हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है ये एस्कॉर्ट की और लाइटां बल्दियाँ पे अगे पुलसा पीछे पुलसा।
जब फड़े जाने हैं उदो हर पास पुलिस होंगी तो ये चीज़ जो है, ये कल्चर जो है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये सियासतदानों को सबसे पहले आते बदलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अपने आप को मॉडल नहीं बनाएंगे तो आवाम किस तरह फॉलो करेगी। हमें लीड लेनी चाहिए। ये झंडे, मैं नहीं समझता कौमी झंडा जो है वो दूसरे मुल्कों में, राशिद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही लगाता है, वज़रा तो नहीं लगाते वहाँ पे झंडे जो हैं दूसरे ममालिक के अंदर जो है। यहाँ पे तो रात के अंधेरे में भी झंडा नहीं उतारते, सनसेट के बाद झंडा नहीं लगना चाहिए। तो ये आते हैं, बदलनी चाहिए, और सबसे पहले हमें बदलनी चाहिए, बाद में लोगों को बदलनी चाहिए। मैं पार्लियामेंट लॉजेस में वो डाले आऊँ लंघ रहे थे, बंदा पैदल टकरे तो उत्ते झाड़ देने जड़े गए। ये मैं पार्लियामेंट लॉजिक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं 100% आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि ये टॉप से स्टार्ट होना चाहिए। ये कल्चर जो है अपने आप को मिसाल बनाना चाहिए ताकि कौम जो है उसको फॉलो कर सके जो है। बाकी वो बलदियाती वाला और दूसरा जो है वो उधार है थोड़ा। यार मैं तो इधर लिया की कोशिश करना पी फिर उठ जाते। अच्छा चलो, अच्छा नहीं मैं हम जब चले आप पूछे चीजें यहाँ से बिकी भी हैं, उस पर आपने क्या डिसीजन किया है? वो एफ आई ए में जाएगा या उसको आप इस स्ट्रेटजी के तहत उसको, क्योंकि आप लोग भी बच जाएंगे, इनको भी एफ आई ए में जा रहा है। ये फैसला हुआ है कि वो एफ आई ए उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। किसी वक्त भी गवर्नमेंट जो है, वफाकी हुकूमत जो है, अगर प्रोसिक्यूशन के लिए किसी और को देना चाहे तो दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। दूसरा सवाल है इसी स्ट्रेटजी के हवाले से, एक पॉलिसी आई थी काफ़ी पहले, आपको पता है, मोनेटाइजेशन की पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन की, आपके 20 से 22 ग्रेड के तमाम ब्यूरोक्रेट्स मोनेटाइजेशन ले रहे हैं, गाड़ी का ड्राइवर का फ्यूल के पैसे ले रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, हर ब्यूरोक्रेट ने, 22 वाले ने चार चार गाड़ियाँ रखी हुई हैं कॉर्पोरेशन की, अनलिमिटेड फ्यूल है, अनलिमिटेड ड्राइवर है, कोई रोकने को तैयार नहीं है, पैसे भी ले रहे हैं, इसको रोकते हैं। दूसरा सर, जो आपने बाइक्स की थी, ई बाइक्स की, ई कारों के लिए है, 2-3 कंपनियां आई भी थी, उनको भगा दिया गया। नहीं है, आप उस पे क्या स्ट्रेटजी, इसमें कुछ ला रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन पे फ्री होगी उसकी, क्योंकि लोगों को चेंज करना है गाड़ियों को? मैं आपको देखें, ये आप भागा कोई नहीं है, मैं मोनेटाइजेशन मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करा दीजिए। गाड़ियों से मैं शुरू करता हूँ। गाड़ियाँ जो है वो एक RD लगी थी उनके ऊपर जून में, नवंबर में उन्होंने उसने ख़त्म होना था, मेरी इंफॉर्मेशन जो है ख़त्म हो चुकी है वो, और उसके अब RD नहीं है, एक प्रेफरेंशियल उनको टैरिफ है जो इंपोर्ट करेंगे जो है, ई बाइक्स जो इंपोर्ट होंगी जो है वो प्रेफरेंशियल टैरिफ है, तो ऑटोमेटिकली जब प्राइस डिफरेंशियल होगा उसको कवर करने के लिए 180,000 की बैटरियाँ डाल के बन, दो बैटरियाँ डाल के बनती है, पेट्रोल वाली जो है वो 1,00,000 या 1,10,000, लोकल जो है 65,000 की मिलती है, तो उसको कवर करने के लिए या स्विच ओवर करने के लिए हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है और इंशाल्लाह ताला इंसेंटिव्स देंगे। दूसरा, आपने मोनेटाइजेशन का, मुझे याद है कि एक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 97 में जो है एक कमेटी बनाई थी, मैं उसका मेंबर था, और फीस पाशा साहब और जावेद बरकी साहब और तारिक सैगल साहब, हम चार बंदे थे, उसमें भी ये चीज़ प्रपोज हुई थी लेकिन ब्यूरोक्रेसी से बड़ी रेजिस्टेंस आई थी। दूसरी बात है कि हमारा